जय हिंद बच्चों, आज हम लोग 3D की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा होगा। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पॉइंट है हमारा, ये हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन बताना हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो। हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स लेते हैं और वर्टिकल वाले को वाई लेते हैं। अब अगर कोई पॉइंट x1, y1 है हमारा, तो ये लेंथ हमारा y1 और ये लेंथ हमारा x1, मतलब x एक्सिस से कवर डिस्टेंस x1 हो, y एक्सिस पे डिस्टेंस कवर y1 हो, तो इस पॉइंट का पोजीशन जो हम लोग क्या विथ कोऑर्डिनेट बताते हैं। कोऑर्डिनेट क्या, ऑर्डर पेयर है हमारा। इस ऑर्डर पेयर का क्रमित युग्मन का जो फर्स्ट पार्ट है वो x एक्सिस पे कवर डिस्टेंस बताता है और सेकेंड पार्ट जो है वो y एक्सिस पे कवर डिस्टेंस बताता है। y एक्सिस के राइट साइड में x को प्लस लेते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस लेते हैं। x एक्सिस के नीचे y को माइनस लेते हैं, x एक्सिस के ऊपर प्लस लेते हैं। अब ये क्या कहलाता है, एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा आपका, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट आपका प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर अगर आना है तो वाई एक्स एक्सिस पे इस साइड आना होगा और वाई एक्सिस के लिए ऊपर जाना होगा, तो एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है। इसमें दोनों का दोनों माइनस में है और इसमें एक्स प्लस में और वाई माइनस में होता है। इतनी बात हम लोग बहुत पहले से क्लास 6-7 से ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होता है वो किसी पॉइंट का पोजीशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, एक प्लेन में बताते हैं, एक समतल में, एक तल में। अगर किसी बिंदु का, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करना हो, स्थिति पता करना हो, तो टू डायमेंशन से हमारा काम चल जाता है। लेकिन यही चीज अगर थ्री डायमेंशनल हो हमारा, पहले टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल में अंतर समझें। तो जिस कमरे में भी बैठे हैं, जैसे ये बोर्ड ही है तो बोर्ड क्या है हमारा, टू डायमेंशनल है। लेकिन अगर इस कमरे की बात करें हम, तो कमरे की दीवारें जो है वो तो टू डायमेंशनल है, छत और फर्श क्या है, टू डायमेंशनल है। लेकिन अगर पूरे कमरे की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, थ्री बीमीय हो जाएगा हमारा वो, ठीक। तो वहां पे तो जैसे कमरे में आपका पंखा लगा हुआ है, तो पंखे का अगर छत के सापेक्ष अगर हम उसकी स्थिति बताना चाहें तो केवल लंबाई और चौड़ाई से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर कमरे में पंखे की स्थिति बताना हो तो खाली कमरा कहाँ स्थित है, कमरे में पंखा कहाँ स्थित है, तो खाली लंबाई चौड़ाई से हमारा काम नहीं चलेगा। उस केस में हमें ऊंचाई भी बतानी होती है। तो वहां पे उसका कमरे में पंखे का पोजीशन बताने के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन छत के सब पर अगर पंखे के पोजीशन बताना है हमारा, सीलिंग फैन है हमारा, तो उस केस में हमारा लेंथ और ब्रेथ से हमारा काम चल जाता है वहां पे। तो अगर स्पेस में, आकाश में किसी ऑब्जेक्ट, किसी बिंदु की स्थिति बतानी हो तो थ्री डायमेंशन की जरूरत होती है। और अगर प्लेन में बताना हो तो हमें क्या, थ्री डायमेंशन की जरूरत हो। प्लेन में बताना हो तो टू डायमेंशन की जरूरत आपकी होगी। तो टू डायमेंशन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लेते हैं, ठीक। और यहां हमें क्या पढ़ना है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है। इसको पढ़ने में बस थोड़ी सी एक समस्या आती है कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपका है वो उसका एग्जैक्ट फिगर आप बोर्ड पे या अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी हमारी टू डायमेंशनल है, बोर्ड भी हमारा क्या है, टू डायमेंशनल है हमारा, ठीक। तो कॉपी का पेज भी टू डायमेंशनल है तो आसानी से टू डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बोर्ड हमारा टू डायमेंशनल है तो वहां भी फिगर हम आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। और फिगर से फिर हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं कि आखिर हमसे पूछना क्या चाह रहा है या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है हमें। लेकिन थ्री डायमेंशनल हमारा क्या, आप कॉपी पे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वहां पे चीजों को इमेजिन करना होगा, आपको सोचना होगा। सबसे आसान तरीका, कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं या एग्जाम देने जाएंगे तो क्लासरूम रहेगा, कमरे में ही रहेंगे, तो कमरे का कोई भी एक कोने को एक ओरिजिन मान लीजिए, मूल बिंदु मान लीजिए, ठीक। तो उस केस में हम आसानी से, जैसे अगर हम मान लें ये बोर्ड ही है हमारा, ये एक्स हो गया, ये वाई, एक को हमने ऐसे मान लीजिए ले लिया, ठीक। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई, हाइट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, हाइट कह सकते हैं।
ये हमारा क्या थ्री डायमेंशनल है। ठीक, तो यहां पर ये एग्जैक्ट फिगर अगर हम चाहें बोर्ड पे ड्रॉ करना, तो इमेजिन करना होगा कि बोर्ड हमारा टू डायमेंशनल है, उसमें एग्जैक्ट थ्री डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें ये चीज सोचना पड़ेगा, एक को ऑरिजिन मान लिया, अब तीन जो बचा हुआ है किसी एक को एक्स एक्सिस मान लिया फेस को, एक को वाई मान लिया, और एक हाइट वाले को क्या मान लिया हमने, जेड मान लिया। बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे हम बोर्ड पे अगर समझें तो एक्स वाई तो हमने ये मान लिया, ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस ऐसे ले रहे हैं, जेड एक्सिस आप ऐसे ले रहे, तो ऐसे ले रहे हो, दिख रहा है ऐसे, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। इनफैक्ट है क्या, एक्स ये है वाई ये है, तो जेड हमारा क्या है इस तरह से लेना होगा, ये सामने की तरफ है हमारा, ये बोर्ड पे तो दिखेगा नहीं, तो हमने माना है कि जेड ऐसे है, लेकिन इनफैक्ट जेड ऐसे है नहीं, ये मार्कर जिधर है हमारा, ये हमारा जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। तो तीनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक्स और वाई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, वाई और जेड भी परपेंडिकुलर होगा, और एक्स और जेड भी परपेंडिकुलर होगा हमारा। अब हमें क्या, मान लीजिए किसी पॉइंट पी का हमें पोजीशन बताना हो, किसी पॉइंट पी का हमें क्या बताना हो, स्थिति बताना हो इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमारा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये एक्स वाई जेड क्या है, पूरे स्पेस को तीन प्लेन में बांटेगा, एक हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक वाई जेड प्लेन हो जाएगा, और एक एक्स जेड प्लेन हो जाएगा हमारा। मतलब ये तो एक्स वाई प्लेन हो गया, ऐसे मार्कर है तो ये जेड माने हैं, तो इधर वाला जो हो गया ये क्या हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, और इस साइड जो दीवार बनेगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा। तो इस पीप के सामने वाला जो प्लेन है वो कौन सा, एक्स जेड प्लेन है। क्या है, एक्स जेड प्लेन, मतलब पी यहां पे कहीं, इस तरह से एग्जैक्ट फिगर है हमारा, और यहां पे कहीं पॉइंट पी है हमारा, तो इस पे क्या है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इस पे क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर लंब डाल दीजिए हमारा, तो ये तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही डिस्टेंस हमें वाई एक्सिस पे कवर करना होगा। तो ये मान लिया वाई वन है हमारा, अब ये जो एम हो गया ये तो एक्स जेड प्लेन पे आ गया, एक्स जेड प्लेन मतलब कि टू डायमेंशनल हो गया, तो इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें हम मान लो एम आर, और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें एम टी, तो इतना डिस्टेंस हमें एक्स पर कवर करना पड़ेगा, और इतना डिस्टेंस हमें कहाँ पर, जेड पे कवर करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन लिखेंगे हमारा। तो वहां पर दो से काम चल जाता था क्योंकि दो ही हमारा एक्सिस था, यहाँ पे हमें तीन से, एक्स एक्सिस पे जितना कवर डिस्टेंस है, जितनी दूरी तय की जाएगी उस बिंदु पर उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए, वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वाई एक्स पे, वाई एक्सिस पे जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे, जितनी दूरी तय करेंगे, वो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जेड एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, जेड कोऑर्डिनेट कहलाएगा हमारा। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं। अब जैसे वहां पे क्या था कि एक्स वाई प्लेन मिल करके प्लेन को क्या है, चार भाग में बांटता था, क्या बांटता था, चार भाग में, तो उसको हम लोग क्या क्वाड्रेंट कहते थे, क्या कहते थे, क्वाड्रेंट कहते थे। यहां एक्स वाई जेड एक्सिस मिल करके स्पेस को कितने, आठ भाग में बांटता है, कितने भाग में, आठ भाग में, तो आठ भाग में बांटेगा, इसलिए इसको क्या ऑक्टेंट कहेंगे। वहां चार भाग में बांटता था तो क्वाड्रेंट, और यहां जो बनेगा वो क्या ऑक्टेंट बनेगा हमारा। तो कौन कौन सा ऑक्टेंट बनता है, ये हमारा ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, एंड इधर लिख लें, ओ एक्स वाई जेड और ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ हमारा, यही आठ ऑक्टेंट होता है।
तो जैसे हम लोग 2D में क्या करते थे कि ये x एक्सिस से, ये y एक्सिस से, ये x डैश, ये y डैश, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस होता था हमारा, ये चीज लिया जाता था हमारा, ठीक। तो जिस क्वाड्रेंट में डैश लगा होता था, जिस एक्सिस में, वो वाला माइनस होता है, और जो बिना डैश का होता है, ऐसे हम 2D में क्या लेते थे, इस तरह से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर हम लोग x डैश लेते थे, इधर हम लोग क्या लेते थे, y डैश लेते थे। अब यहाँ पे ये प्लस प्लस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ओ एक्स वाई, दोनों एक्सिस में से किसी में डैश नहीं लगा है तो दोनों प्लस होगा। इस क्वाड्रेंट में ओ एक्स डैश वाई डैश है, तो एक्स डैश है तो एक्स वाला माइनस, वाई बिना डैश का है तो प्लस। इसमें ओ एक्स डैश वाई डैश है तो दोनों माइनस में होगा क्योंकि दोनों में डैश लगा हुआ है, और ओ एक्स वाई डैश ये हमारा क्या, माइनस प्लस और ये माइनस। तो जिस क्वाड्रेंट में, जिस एक्सिस में डैश लगा है वो माइनस, और जो बिना डैश का है वो क्या, प्लस हो जाता है हमारा। तो ये बताओ आप, तो यहां पे अगर हम इस ऑक्टेंट की बात करें तो एक्स वाई जेड ये तीनों प्लस में होगा, इसमें तीनों माइनस में होगा, इसमें ये माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 और माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जिस ऑक्टेंट में, जिस एक्सिस में डैश लगा है वो माइनस में रखना है, और जो बिना डैश का है वो आपको क्या रखना है, प्लस में रखना है। तो इस ऑक्टेंट का साइन हमें पता चल जाएगा किस ऑक्टेंट में कौन सा प्लस होता है और किस ऑक्टेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट माइनस होता है हमारा। उम्मीद करते हैं ये आज बड़ा आसान सा चीज ही है, समझ गए होंगे सब लोग। अब इसी में आता, लगभग आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 2D से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स टू वाई टू जेड टू इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। 2D में हम लोग क्या करते थे, कोऑर्डिनेट में खाली वहां x1 y1 और x2 y2 रहता था, तो बस यहीं तक लिखते थे, z वाला पार्ट नहीं रहता था, लिखने की जरूरत नहीं थी हमारा। यहां पर क्या, z वाला पार्ट है, जैसे xy वाला का करते थे वैसे ही z वाले का भी कर देना है। जैसे हम कह दें डिस्टेंस बिटवीन माइनस वन थ्री फाइव एंड वन फोर थ्री है, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस माइनस वन तो प्लस वन का स्क्वायर, फोर माइनस थ्री का स्क्वायर और थ्री माइनस फाइव का स्क्वायर, ये हो गया फोर प्लस वन प्लस फोर, मतलब इन दोनों बीच के बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तीन इकाई हो जाएगी, थ्री यूनिट हो जाएगा हमारा। तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या, कि दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और दोनों पॉइंट के जेड कोऑर्डिनेट के स्क्वायर को, डिफरेंस के स्क्वायर को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा, दोनों दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। कुछ अलग नहीं होता, जैसे 2D में होता था वैसे ही 3D में होगा हमारा। सेक्शन फार्मूला क्या हो जाता, विभाजन सूत्र जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट इंटरनल डिवीजन अंतः विभाजन जिसको कहते हैं, तो ये हमारा बिंदु P है x1, y1 और Q है x2, y2। तो अंतर विभाजन हम लोग 2D में क्या पढ़े हैं, कि अगर कोई बिंदु R x, y है
ये इसको m अनुपात n में बांटता हो, क्या हो m अनुपात n में बांटता हो, तो x बराबर क्या होता था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, y बराबर क्या होता था एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन होता था। अब यहाँ 3D में है तो z भी आ जाएगा, तो ये z1, ये z2 और ये हमारा क्या z, तो जैसे 2D में x और y निकालते थे वैसे ही z भी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन हमारा। ठीक, ये तो इंटरनल था, यही अगर एक्सटर्नल रहे हमारा, एक्सटर्नल डिवीजन हो, एक्सटर्नल डिवीजन, तब उस केस में, अब एक्सटर्नल मतलब क्या कि पी क्यू यहां हो आर इसके बाहर स्थित हो, तब पी क्यू के बीच में अगर विभाजित करने वाला बिंदु रहे, डिवाइड करने वाला पॉइंट रहे, तो हम क्या कहते हैं इंटरनल डिवीजन, और पी क्यू को आगे बढ़ाने पे इधर या इधर रहे आर हमारा, इसका मतलब वो क्या है बाय विभाजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। अब यहां ये एक्स वन कॉमा वाई वन, ये एक्स टू कॉमा वाई टू और आर ये एक्स वाई जेड है, अब ये वाला भाग एम है और ये वाला भाग एन है, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा हमारा जेड वन। तो अब यहां पर x बराबर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, y बराबर एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन और z बराबर एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन हो जाएगा। मतलब दोनों फार्मूला सेम ही है हमारा, बस इंटरनल वाले में प्लस रहता था और एक्सटर्नल वाले में हमारा क्या हो जाएगा यही माइनस हो जाएगा, और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग 2D में x और y निकालते थे, अब लेकिन चूंकि 3D है तो z वाला पार्ट भी रहेगा, तो जैसे आपने 2D में निकालना सीखा x y का, वैसे ही आपको क्या z का भी निकाल देना है, अलग से कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है आपको। कि जैसे कह दिया कि फाइंड कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides line segment joining points minus 1, 4, 3 and 3, 5, 9 in the ratio of 5:3 internally। मतलब क्या कि बिंदु माइनस 1, 4, 3 और 3, 5, 9 को मिलाने वाली रेखाखंड को 5:3 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ये हमारा पॉइंट मान लिए -1, 4, 3 है और ये हमारा हो गया 3, 5, 9 है। अब r कोई पॉइंट है, इसको किस रेशियो में कह रहा, 5:3 में इंटरनली कह रहा, तो मान लिया इसका कोऑर्डिनेट x y z है हमारा। तो जब x निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा इधर वाले पार्ट को इधर वाले x कोऑर्डिनेट से गुणा करते हैं, तो 5 × 3 इधर वाले को इधर वाले से करेंगे, 1 × -1 5+3 मतलब 5 × 3 = 15, 1 = 14, 14/8 हो जाएगा। यही वाई जब रहेगा तो इधर वाले को इधर वाले वाई कोऑर्डिनेट से 5 × 5 + 3 × 4 अपॉन 5+3 तो 25 × 12 = 27/8 हो गया। और जब जेड निकालना है तो फिर इधर वाले को इधर वाले से 5 × 9 इधर वाले को इधर वाले y z से 3 × 3 5+3 मतलब क्या हो गया 9 × 5 = 45, 54/8 हो गया हमारा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 14/8, 27/8, 54/8 हो जाएगा। यही पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले सेगमेंट को 5:3 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। यही अगर कह देता एक्सटर्नली,
यही अगर कह देता है एक्सटर्नली, तो अब यहां पर ये हमारा 359 हो जाएगा और ये डिवाइड करने वाला एक्स वाई जेड हो जाएगा 5:3 में कह रहा, तो ये वाला पार्ट 5, ये वाला पार्ट 3 हमारा, तो सब कुछ यही रहेगा, बस ऊपर और नीचे ये क्या हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 15 × 16/8, ये 25 − 12 = 13/8, ये हो जाएगा 45 − 9 = 36/8। एक्सटर्नली अगर हो गया तो ये आ जाएगा हमारा 2 = 13/8 और 4 × 36 = 9/2। तो ये पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले सेगमेंट को 5:3 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है हमारा, ठीक है। तो जैसे 2D में बस x और y निकालते थे, यहाँ इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग 2D में करते हैं, तो ये हमारा क्या है 2D जैसा ही इसको भी ट्रीट करना है सेक्शन फार्मूला के लिए, बस जैसे वहां x y निकालते थे, यहाँ एक काम आपका बढ़ जाएगा, z भी निकालना होगा आपको। अब कुछ नोट है, इसको आपको याद रखना होगा, डायरेक्ट एयरफोर्स नेवी में इससे सवाल पूछा जाता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम x-axis इज इक्वल टू √y1² + z1² फिर दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम y-axis कह दिया, ये आ जाएगा √x1² + z1² फिर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z-axis कह दिया, ये हो जाता है √x1² + y1² मतलब क्या कि पॉइंट का जिस एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, पॉइंट का जिस एक्सिस से भी डिस्टेंस पूछेगा, पॉइंट से उस कोऑर्डिनेट को हटा दीजिए, आप उस कोऑर्डिनेट को आप हटा दीजिए, बाकी दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए और उसका वर्गमूल ले लीजिए, रूट ले लीजिए। एक्स एक्सिस से कहेगा तो x1 को हटा देंगे √y1² + z1² अब वाई एक्सिस से पूछ रहा तो y1 को हटा देना, बचा x1 और z1 तो x1² + z1² का रूट, और अगर जेड एक्सिस से पूछ रहा है तो जेड वाला हटा दीजिए, मतलब z1 हट जाएगा, √x1² + y1² हो जाएगा। फिर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम xy प्लेन कह दे, xy प्लेन ये हो जाता है mod of z1। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम xz प्लेन हो जाएगा, ये mod of y1 हो जाएगा, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट yz प्लेन कह देगा तो ये mod of x1। ठीक, अब प्लेन का अगर पूछ रहा है किसी पॉइंट का, किसी बिंदु की दूरी किसी तल से पूछ रहा है, तो तल में जिसका जिसका नाम होगा वो दोनों कोऑर्डिनेट हटा दीजिए, जो तीसरा बच गया उसका मॉडुलस ले लिए, यहां एक्स वाई तल का रहा तो x1 y1 हटा देना है, z1 का मॉडुलस, xz प्लेन का रहा तो x और z हटा दीजिए, ये और ये हट जाएगा, y1 तीसरा बच गया उसका मॉडुलस, और yz प्लेन का रहा तो y और z हटा दीजिए, जो x बचा उसका, मतलब x1 जो बचा उसका मॉडुलस हो गया। ये एयरफोर्स नेवी में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल होता है हमारा, जैसे आपको कह दिया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट −1, 3, 4 फ्रॉम x-axis कह दिया, ये सिंपली क्या हो जाएगा, इस वाले को हटा देना है, 3² + 4² मतलब 9 + 16 5 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
3, 5, 7 फ्रॉम जेड एक्सिस कह दे, तो जेड एक्सिस से कहेगा तो जेड वाला हटा दीजिए, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √34 हो जाएगा। जिस एक्सिस से कहेगा वो वाला हटा के बाकी दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, उसका रूट ले लेना है हमारा। ठीक, ये हमारे छोटे मोटे सवाल हैं, आसानी से आप कर लोगे। 3D से एयरफोर्स नेवी में एक या दो सवाल आपसे पूछता है, और आपका जो NDA है 5 से 6 सवाल आपका NDA में इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ तक तो लगभग 2D के जैसा ही होता है। ठीक, बाकी इसमें चैप्टर्स हमें पढ़ना कौन कौन सा, जितना हम लोग 2D में पढ़ते हैं ठीक वो सब कुछ यहाँ पढ़ना होता है, लेकिन उतना सारा सिलेबस में है नहीं आपका। यहाँ जो आपको पढ़ना है वो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, दिक कोज्याएं एवं दिक अनुपात है पहला चैप्टर, दूसरा है आपका स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, और फिर तीसरा प्लेन समतल, बाकी आपके सिलेबस में नहीं होता। जैसे वहाँ 2D में सर्किल पढ़ते थे तो यहाँ स्फीयर हो जाता है, वहाँ पैराबोला पढ़ते थे तो पैराबोलाइड हो जाता है, हाइपरबोला पढ़ते थे तो हाइपरबोलाइड हो जाता है, एलिप्स पढ़ते थे तो एलिप्साइड हो जाता था, लेकिन वो सारा चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। आपको जो केवल कवर करना है इंट्रोडक्शन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन और डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज हमारा। ये बड़ा आसान सा है, बहुत आसानी से इसके सवाल लगते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर फिगर को इमेजिन करना अगर आप सीख लिए तो 3D मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर मान सकते हैं बहुत आसानी से। आधा से ज्यादा सवाल तो इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से लग जाता है, ऑप्शंस देख करके हम आधा से ज्यादा सवाल को हम लगा सकते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।